हेलो बेटा, तो बायोटेक्नोलॉजी के नए एपिसोड को लेके मैं फिर से आ गया हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये पढ़ाया कि कैसे जो है बायोटेक की क्या क्या प्रोसेस हैं, बायोटेक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर दूसरे स्टेप में मैंने आपको पहली बार टूल्स में जो है, जो उसके टूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन टूल्स में सबसे पहले मैंने आपको एंजाइम्स पढ़ाए। एंजाइम्स के बाद जो दूसरा टूल है कि जब हम आप किसी मतलब हम लोग किसी सेल से डीएनए को निकाल लेंगे तो उस डीएनए में पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है कौन, उसे कैसे सेपरेट करेंगे। एनसीईआरटी में ये अगला टूल है, उसके लिए एनसीईआरटी ने हेडिंग डाली है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। मतलब जो निकला हुआ डीएनए है सेल से, जिस डीएनए को निकाला है, जिसका आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन किया है, उस डीएनए का आप किस तरह से सेपरेशन करेंगे, उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट आप निकालेंगे कैसे। आइए मैं आपको यही बात सिखाता हूँ। बोर्ड पे अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात आप ये समझें कि मान लीजिए ये सेल है, आपने इस सेल के अंदर ये पड़ा हुआ न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ ये डीएनए है। ये देखिए, तो जब आप इस डीएनए को निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, इस डीएनए पे आप एक एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है। यही एंजाइम आप लगाते हैं। एंजाइम का नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ये एंजाइम है। तो अगर आप इस एंजाइम को निकालते लगा देते हैं तो ये डीएनए छोटे छोटे सेगमेंट में, ऐसे सेक्शन में कट जाता है। अब हमको इन डीएनए में हमको चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है कहाँ पे, हम इसमें से किस जीन को जो है निकालना चाहते हैं। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देखिए, ये मेथड है जिसे आज आपको पढ़ना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इस मेथड में आपको ये पढ़ना है कि किस तरह से इस कटे हुए डीएनए के सेगमेंट से हम जो है अपने डिजायर्ड जीन को सेपरेट करते हैं। किस जीन को, डिजायर्ड जीन को, जिस जीन पे हमको काम करना है उसे हम डिजायर्ड जीन कहते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनाना है उस जीन को डिजायर्ड जीन कहते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखें तो कॉन्सेप्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसे सबसे पहले एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड बाय एक साइंटिस्ट है, इनका नाम टिजेलियस। इन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था, साइंटिस्ट का नाम टिजेलियस है। सबसे पहले इन्होंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट दुनिया में दिया था। कॉन्सेप्ट क्या है आप देखें, ये खास तरह का, ये देखिए, ये खास तरह का एक पैनल होता है, मतलब एक मशीन होती है। इस मशीन में इस तरह से ऐसे हम बना देते हैं। ये देखिए, ये एक मशीन है, इस मशीन का नाम इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन है। इस मशीन में इस तरफ जो है, एक तरफ हम लोग नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, दूसरी तरफ हम इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। जिंदगी हमने इस मशीन पे दो चार्ज लगा दिए, एक तरफ नेगेटिव चार्ज लगाया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज लगाया। क्योंकि हमने इस पे दो चार्ज लगाया इसलिए इसको इलेक्ट्रोफोरेटिक कहते हैं। अगर आप इस पे जेल की बात करें तो इसमें जो जेल शब्द है, ये जो जेल है, इस जेल का मतलब एगा रोज जेल है। ये देखिए, ये खास तरह की एगा रोज जेल एक खास तरह की जेल है। ये देखिए, ये जो है नेचुरल पॉलीमर है। अगर आपसे कोई एगारोज जेल के बारे में पूछे क्या है ये एगारोज जेल, तो इस मीडियम में डालते हैं इस एगारोज जेल को। तो अगर आप एगारोज जेल के बारे में देखें बेटा, तो ये नेचुरल पॉलीमर है। ये देखिए क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर है, प्रकृति में पाई जाती है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स। दूसरी बात अगर देखें तो इसे निकाला जाता है समुद्री घास पतवार से, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स, इससे इसको निकाल लिया जाता है। ये है एगारोज जेल की कहानी। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें से छोटे छोटे वेल्स लगी होती हैं। इस डीएनए में अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको छोटी छोटी वेल्स दिखाई पड़ेंगे। इन्हीं वेल्स में बेटा ये जो कटा हुआ डीएनए है, ये जो हमारा सेपरेटेड डीएनए है, ये सही डीएनए है, इन्हीं वेल्स में डाल दिया जाता है। तो अगर आप बेस पे डीएनए डाल देते हैं तो अब आपके डीएनए को कैसे दिखाई पड़ेगा, देखिए अगर हम एनसीईआरटी क्लियर करें तो ये देखिए, ये लेन फर्स्ट है, ये चाहे तो आप यहां नाम लिख लें, ये कौन सी लेन है, ये लेन फर्स्ट है। लेन फर्स्ट का जो डीएनए है वो अनडाइजेस्टेड है। अनडाइजेस्टेड मतलब इस डीएनए का रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड है, लेन फर्स्ट का अनडाइजेस्टेड है। लेकिन अगर आप इस लेन की बात करें, ये देखिए, ये दो लेंस हैं,
इनका जो डीएनए है वो डाइजेस्टेड है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे, ये देखिए, जैसे जैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, जो डीएनए के सेगमेंट हैं वो लगातार छोटे होते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा क्यों है? मतलब अगर आप देखें तो नेगेटिव की तरफ डीएनए का स्ट्रैंड बड़ा होगा, पॉजिटिव की तरफ डीएनए का स्ट्रैंड छोटा होगा। ऐसा क्यों है? देखिए, जो डीएनए है हमारा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो जो डीएनए है उस पर नेगेटिव चार्ज है। जो हमारा डीएनए है उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है हमारे डीएनए पे, जिस डीएनए पे हम काम कर रहे हैं। ये जो डीएनए जिसको आपने यहाँ उठा के डाला है इन वेल्स पे, इस डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये डीएनए क्या करेगा? टेंड्स टू मूव अपोजिट पोल। टेंड्स टू मूव किधर? अपोजिट पोल। ये डीएनए क्या चाहेगा? उल्टे पोल की तरफ, मतलब अपोजिट पोल्स की तरफ जाना पाया चाहेगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं जिसपे निगेटिव चार्ज हो किस तरफ जाएगा, तो आप कहेंगे सर जिसपे निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अपोजिट पोल का मतलब यहाँ प्लस से है। सो अगर आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉलर सेगमेंट, सो स्मॉलर सेगमेंट मूव्स टुवर्ड्स किधर बेटा? पॉजिटिव पोल्स। जो छोटा सेगमेंट होगा वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ये मतलब हुआ। इसलिए देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इन डीएनए के सेगमेंट्स को देखें आप ध्यान से, तो सबसे बड़ा जो डीएनए का सेगमेंट है इधर होगा नेगेटिव की तरफ, और सबसे छोटा का डीएनए जो सेगमेंट होगा वो किधर होगा? पॉजिटिव की तरफ। इसका कारण है कि ये जो मूवमेंट है वो एक खास तरह के इफेक्ट कारण होता है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, इस इफेक्ट को हम लोग सीविंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब सीविंग इफेक्ट कारण जो छोटी चार्ज छोटी साइज का डीएनए है मूव करके नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। सबसे छोटा सेगमेंट पॉजिटिव की तरफ होगा, सबसे बड़ा सेगमेंट जो होगा नेगेटिव की तरफ होगा। इस तरह से अगर आप देखें तो लार्जेस्ट सेगमेंट नेगेटिव की तरफ, स्मॉलेस्ट सेगमेंट किधर होगा? पॉजिटिव की तरफ। और डीएनए ऐसे सिक्वेंस में अरेंज हो जाएगा। जब सिक्वेंस में अरेंज हो जाएगा डीएनए, तो अब आप देखिए आगे क्या होगा, आगे प्रक्रिया देखिए क्या होगा। सबसे छोटा सेगमेंट अगर देखें तो स्मॉलेस्ट सेगमेंट कहां होगा डीएनए का? स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट जो होगा, जो सबसे छोटा डीएनए के सेगमेंट होगा, स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट होगा, ऐसे लिख देते हैं टुवर्ड्स ये देखिए नेगेटिव पोल, सॉरी टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। जो सबसे छोटा डीएनए का पोल होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा, और लार्जेस्ट जो सेगमेंट होगा, जो साइज सबसे बड़ी साइज का डीएनए का सेगमेंट होगा, लार्जेस्ट डीएनए सेगमेंट होगा, ये डीएनए का सेगमेंट किस तरफ होगा बेटा? नेगेटिव पोल की तरफ। ये देखिए, ऐसे डीएनए के सारे सेगमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट जो है अरेंज हो जाते हैं। सबसे बड़ा डीएनए का सेगमेंट इधर होगा, सबसे कम छोटे डीएनए का सेगमेंट की साइज पॉजिटिव की तरफ होगी। इस तरह से डीएनए के सारे सिक्वेंस सेगमेंट अरेंज हो जाते हैं। अब आप देखिए, डीएनए कैन नॉट बी विजुअल अंडर यूवी लाइट। डीएनए जो होता है कभी भी आप सनलाइट की प्रेजेंस में डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। ये देखिए, ये एनसीईआरटी कहती है, और ये बात सही भी है। अगर आप चाहें कि डीएनए को डायरेक्ट आप अल्ट्रावायलेट रेज में देख ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैसे देखेंगे आप? डीएनए को देखने के लिए आपको एक खास तरह की डाई चाहिए, जिस डाई का नाम है, ये देखिए एक डाई है, इस डाई का नाम है इथीडियम ब्रोमाइड। ये देखिए इथीडियम ब्रोमाइड एक खास तरह की डाई है। इसी डाई का जब आप इस्तेमाल करेंगे, इथीडियम ब्रोमाइड के जब आप इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ आप यूवी लाइट का इस्तेमाल करेंगे, तो जो डीएनए के बैंड है पिंक कलर बैंड दिखाई पड़ेंगे। किस कलर के दिखाई पड़ेंगे? पिंक कलर के डीएनए के बैंड दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, मतलब अगर आप इस जगह पे, ये जो आप डीएनए का सेगमेंट देख रहे हैं, अगर आप इस पे जो है, इसमें मीडियम कौन सा है? इसमें एगारोन सेल का मीडियम है। और इसमें अगर आपको डीएनए के सेगमेंट को पहचानना है तो आप किस डाई का इस्तेमाल करेंगे? इथीडियम डाई का इस्तेमाल करेंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको डीएनए का जो सेगमेंट है वो पिंक कलर का इस पे दिखाई पड़ेगा।
अब इस डीएनए सेगमेंट को हम लोग निकाल के बाहर कर लेंगे। तो देखिए, रिमूवल ऑफ डीएनए सेगमेंट या इसी को हम लोग कर सकते हैं डिजायर्ड जीन। जब आप उस बैंड से डिजायर्ड जीन को निकाल के बाहर कर लेते हैं, किसी तरह से आप बाहर कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को बेटा इल्यूशन कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको इल्यूशन मिलेगा पक्का 100%। तो अगर आपसे कोई पूछे इल्यूशन क्या है, तो इल्यूशन वो प्रक्रिया है कि जब आप इस डीएनए के बैंड को निकाल के किसी नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की शीट पर, ये किसकी शीट है, ये नायलॉन की शीट है, इसमें अगर डीएनए डिजायर्ड डीएनए इस कलर का है तो इस कलर को लिख देता हूं। ये हमारा डिजायर्ड जी डीएनए सेगमेंट है, चाहे यहां लिख लें कि सर ये डिजायर्ड जीन है। जब इस डिजायर्ड जीन को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक मशीन से निकाल के नायलॉन की शीट पर रख देते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया को इल्यूशन कहते हैं। और टेक्निक को जो है हम लोग, इस टेक्निक को हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं, क्योंकि इस काम को सबसे पहले यंग सदर्न ने किया था, इसलिए इस टेक्निक का नाम सदर्न ब्लॉटिंग, ये देखिए टेक्निक है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ये देखिए, इस तरह से आपको देखना है कि डीएनए के सेगमेंट को हम लोग निकाल के नायलॉन की शीट पे रख लेते हैं, और नायलॉन की शीट पे जब डीएनए के सेगमेंट को रख लेते हैं तो इस प्रक्रिया को इल्यूशन कहते हैं, और इस टेक्निक को हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। फिर से एक बार आप ओवरव्यू ले लें, डीएनए के सेगमेंट को जब निकाल के बाहर लाते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं, तो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं। इन सेगमेंट को उठा के हम लोग इस मशीन के अंदर डालते हैं। इस मशीन का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेटिंग मशीन है। इसमें एगारोस जेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो नेचुरल पॉलीमर है, सीवीड से लिया जाता है। जब हम इसमें डीएनए को डाल देते हैं तो इसमें एक तरफ निगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए भी निगेटिव चार्ज है, इसलिए डीएनए का जो छोटा सेगमेंट है वो पहले भागेगा पॉजिटिव की तरफ, इसलिए सबसे छोटा सेगमेंट इधर होगा पॉजिटिव की तरफ, सबसे बड़ा सेगमेंट होगा निगेटिव की तरफ। इस तरह से सारे डीएनए अरेंज हो जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो अनडाइजेस्टेड लेन ये दिखाई गई है, ये जो दोनों लेन है, अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो इसे डाइजेस्टेड लेन कहा गया है। डाइजेस्टेड लेन मैंने ये हुआ कि वो लेन जिनके डीएनए का सेगमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ब्रेक किया गया है। इस तरह से हमारा जो डिजायर जीन है उसे हम नायलॉन की शीट पर रख लेते हैं। अब इसे हम किसी वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे। अब आइए देखा जाए, अगर आप बोर्ड की तरफ देखें तो लिखा है क्लोनिंग वेक्टर्स। हम किन वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड जीन है जिसे भी हमने सेपरेट किया है, उसको हम आखिर किसके साथ जोड़ना चाहेंगे, कौन है जिसके साथ जोड़ दें कि हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो किसी प्लांट या एनिमल सेल के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अगर आप क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले देखिए एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है, पहले देखें ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ये देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, इसका बहुत क्वेश्चन आता है। आप पहली बात समझ लें, इतना इसका ज्यादा क्वेश्चन आता है, मैं क्या बताऊं आपको। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस ये क्या है पहले आप समझें, ये एक बैक्टीरिया है, इसका क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स है, ये मतलब प्लांट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स किस प्लांट्स में, देखा अगर आप ध्यान दें तो ये दिखा गया है डाइकॉट प्लांट्स में। ऐसा क्यों है किसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स में क्लोनिंग वेक्टर के लिए, तो अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो देखिए, इट काजेस कैंसर इन डाइकॉट प्लांट्स। ये डाइकॉट प्लांट्स में, मतलब जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में बड़े आसानी से इंटर कर जाता है और उन पौधों में कैंसर होता है। फिर से समझ लें, इट काजेस कैंसर इन डाइकॉट प्लांट्स एंड कैन इजली इंटर इनसाइड प्लांट। किसी भी प्लांट के अंदर ये इंटर कर जाता है और वहां पर जाके ये कैंसर काज करता है। ऐसा क्यों है, इसके पास आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण पौधों में कैंसर हो रहा है, किन पौधों में लिखा हुआ है,
किसी से पूछा नहीं है डाइकार्ट प्लांट्स में इसके कारण कैंसर हो रहा है, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस कारण। तो अगर आप इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का फिगर देखें, भाई ये बैक्टीरिया है, ये इसका मेसोसोम वगैरह है, और ये देखिए इसके अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर एक खास तरह का प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका? अगर आप देखें तो प्लाज्मिड का नाम है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का अगर पूरा नाम लिखें, यहां लिख लें टीआई प्लाज्मिड मतलब क्या हुआ, ये देखिए टीआई प्लाज्मिड माने हुआ, अगर आप इसकी मीनिंग लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखें टीआई प्लाज्मिड माने हुआ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, मतलब वो प्लाज्मिड जिसमें कैंसर का जीन है और जिससे प्लांट्स को ट्यूमर होता है, मतलब कैंसर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा डीएनए है, तो आप कहेंगे सर आप कई दिन से ये बात बता रहे हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसी प्लाज्मिड के अंदर ये डीएनए पड़ा हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, क्योंकि इसी से कैंसर हो रहा है डीएनए से। भाई प्लाज्मिड भी तो डीएनए है, इसलिए इस डीएनए को हम लोग टी डीएनए कहते हैं। मतलब अगर आप समझे इस बात को कि ये प्लाज्मिड पड़ा हुआ है इस प्लांट के अंदर और इसी प्लाज्मिड में एक जीन है, या अगर आपको डर लग रहा है तो आप इसे बाहर निकाल लें इसको। ये देखिए ये प्लाज्मिड है, ये इसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड का नाम उन्होंने क्या रखा है, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड इसलिए रखा है क्योंकि इस प्लाज्मिड के किसी एक लोकेशन पे, ये लोकेशन है जहां पर टीआई जीन है। टीआई जीन है मतलब उस जीन से पौधों को कैंसर होता है। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करें कि इस टीआई जीन की जगह पर, इसकी जगह पर हम रिप्लेसमेंट कर दें, ये देखिए रिप्लेसमेंट कर दें, रिप्लेस्ड कर दें किसके द्वारा, किसी डिजायर्ड जीन के द्वारा। मान लीजिए हमारा कोई डिजायर्ड जीन है और उस डिजायर्ड जीन को हम लोग इसके इस जीन पे रिप्लेस कर दें, या आप ऐसे कह सकते हैं। देखिए टीआई प्लाज्मिड इज रिप्लेस्ड बाय कौन सा जीन, डिजायर्ड जीन। इस तरह से हम डिजायर्ड जीन से इस टीआई प्लाज्मिड को ऐड कर सकते हैं, और जब ऐड कर देंगे तो हम जिस जीन को प्लांट के अंदर भेजना चाहेंगे बड़े आसानी से भेज देंगे। ध्यान रखें डाइकार्ट प्लांट्स में अगर आपको वेक्टर का इस्तेमाल करना है तो आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो क्लोनिंग वेक्टर के आधार पर मेनली हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए अगर हम लोग प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने आपके यहाँ PBR 322 का एक्सप्लेनेशन किया है। प्लाज्मिड जो होती है ये 5 से 10 कॉपी पर सेल भी बना सकता है, 5 से 10 कॉपी पर सेल बना सकता है, ये 100 से 1000 कॉपी पर सेल भी बना सकता है। इस तरह से आप एक तो इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, प्लाज्मिड का, किसके लिए, क्लोनिंग वेक्टर्स के लिए। ये पहला हो गया प्लाज्मिड। मैंने जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस पढ़ाया है इसके पीछे मेरा पूरा मतलब केवल है किसे, प्लाज्मिड से। अगर आपको प्लाज्मिड के बारे में और कुछ जानना है तो आप वैसे जान सकते हैं। ये देखिए सर क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या है अगर आप लिखें तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, जितना चाहे आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, सर्कुलर है, ये देखिए सर्कुलर है, और लिखिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है प्लाज्मिड। अगर आप इसका फिगर बनाना चाहें कि इसका क्लोनिंग वेक्टर के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो ये देखिए ये अगर बैक्टीरियल सेल है तो इस बैक्टीरियल के सेल के अंदर ये कोई स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी है सब ये प्लाज्मिड के बारे में है। ये इसका एक दूसरा न्यूक्लियस है, तो अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, दूसरा सर्कुलर है, तीसरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये बात आपने लिखी। इसके सिवा और भी लिख सकते हैं, ये देखिए ऑटोनॉमसली
रिप्लिकेटिंग बॉडी है, मतलब ये हुआ कि ये प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग बॉडी है, अपनी कॉपी फिर से बना सकता है। ये देखिए ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग बॉडी है, डीएनए से डीएनए बनाना इसको बहुत ही आसान काम है। और इन्होंने लिखा है कि प्लाज्मिड एनसीईआरटी कहती है कि बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है, और इससे मिनिमम अगर आप देखें तो 5 से 10 कॉपी पर सेल बन सकती है, एक तो चांस ये है, इसलिए हम लोग प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा देखिए 100 से 1000 कॉपी पर सेल बन सकती है, कॉपी पर सेल बन सकती है, सोचिए। इसीलिए हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लाज्मिड का। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसिएंस में देखिए टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मान लीजिए ये हमारा डिजायर्ड जीन है, ये देखिए कौन सा जीन है ये, अगर आपसे मैं पूछूं ये कौन सा जीन है, ये हमारा डिजायर्ड जीन है। अगर हमको इस डिजायर्ड जीन को इससे निकालना हो तो हम इस प्लाज्मिड को निकाल के बाहर करेंगे, ये देखिए इसको ऐसे निकाल के बाहर कर लेंगे। अगले फिगर में अगर आप देखें तो इसी प्लाज्मिड के साथ हम लोग अपना डिजायर्ड जीन जोड़ देंगे या डिजायर्ड जीन जोड़ देंगे। ये देखिए प्लाज्मिड के साथ हमने किसे जोड़ दिया, प्लाज्मिड के साथ हमने डिजायर्ड जीन जोड़ दिया जिसे हमें सेल के अंदर भेजनी है। ये देखिए जब आपने प्लाज्मिड के साथ डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया तो इस तरह के प्लाज्मिड को क्या कह सकते हैं, चाहे आप यहां लिख लें कि अगर आपने प्लाज्मिड के साथ डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपने उसे जोड़ दिया, डिजायर्ड जीन को जोड़ दिया, तो इस तरह के प्लाज्मिड को हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं। कौन सा प्लाज्मिड कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, वह प्लाज्मिड जिसका नया कॉम्बिनेशन आ गया है उसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं, या इसे हम लोग काइमेरिक प्लाज्मिड कहते हैं। तो अब आपके लिए एक नया शब्द मिल गया है कि काइमेरिक प्लाज्मिड क्या है। तो काइमेरिक प्लाज्मिड किसे कहते हैं, जब प्लाज्मिड के साथ डिजायर्ड जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है तो इस तरह के प्लाज्मिड को हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, वो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। ये देखिए बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। दूसरा आप एनसीईआरटी देखेंगे यही लिखा हुआ है। तो बैक्टीरियोफेजेस क्यों होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस का हम लोग क्लोनिंग के वेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए दे कैन इजली इंटर इनसाइड बैक्टीरियल सेल, किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर इनको इंटर कराना बहुत ही आसान काम है, इसलिए बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, क्लोनिंग वेक्टर के लिए। ये दूसरा हमारा क्लोनिंग वेक्टर है। अगर आप तीसरा देखें तो तीसरा जो क्लोनिंग वेक्टर है वो है रिट्रोवायरसेस। अगर आप रिट्रोवायरसेस देखते हैं तो रिट्रोवायरसेस जो होते हैं, ये देखिए रिट्रोवायरसेस अगर आप देखें दे कैन फॉर्म क्या बेटा, डीएनए फ्रॉम कहां से बेटा, आरएनए बाई कौन से एंजाइम बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब एक एंजाइम इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिनके द्वारा हम लोग आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। एंजाइम का नाम क्या है, ये देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसलिए रिट्रोवायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एग्जांपल देखें इसका एग्जांपल एचआईवी है। एचआईवी भी बड़ी आसानी से हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। इसका जो अगला एग्जांपल है बेटा वो ऑन्कोवायरसेस है। ऑन्कोवायरसेस पे अगर आप देखें, ऑन्कोवायरसेस माने तो देखिए कैंसर काजिंग वायरसेस है। कौन से वायरसेस हैं, कैंसर काजिंग वायरसेस हैं, इनसे कैंसर होता है। मतलब अगर आपको इसी बात को डायरेक्ट लिखना हो तो आप कहेंगे सर इन वायरसेस के कारण एक नॉर्मल सेल एक कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है।
ये सारे हैं हमारी बॉडी में, मतलब हमारे बायोटेक्नोलॉजी में, जिनका हम लोग क्लोनिंग वेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया जो है प्लाज्मिड हो गया, दूसरा हो गया बैक्टीरियोफेज, तीसरा हो गया रेट्रोवायरसेस और चौथा हो गया ऑन्कोवायरसेस। जो सूरज जी है ये जो है जो कैमरा ऑपरेट करते हैं, इनको नींद आ रही है इसलिए मुझे हंसी आ गई। नींद आपको भी आती है, सोना आपको भी पसंद है, सोना इनको भी पसंद है, मेरे बारे में मत पूछिएगा, मैं नहीं जानता हूँ।